पिछली वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे, आज एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्टिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें, देखो है, एक रास्ता है जो एक मीनार के पद तक जाता है, यानी कि ये मान लीजिए कोई रास्ता है और ये एक मीनार के पद तक जाता है, ये मीनार है कोई, ये मीनार मान ली हमने, इसका नाम रख दिया BC, ठीक है। और मीनार के शीर्ष पर यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिस जो मीनार की ओर आती हुई कार को देखता है, ठीक है। और पहली जो कार है यानी कि यहाँ पर कोई कार है, ये मान लीजिए कोई कार है यहाँ पर, और उस पर जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश का, पॉइंट हमने मान लिया जहां पर कार है ए पॉइंट, ठीक है। 6 सेकंड पश्चात ये कार जो है ये मीनार की ओर जा रही है इस साइड को, तो 6 सेकंड के बाद मान लिया ये कार बिंदु डी पर पहुंच जाती है, यानी कि ये कार यहां पर पहुंच गई, ठीक है, यहां गई कार, ठीक। तो अब यहां से जो इसका अवनमन कोण है ये 60 अंश का हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में अवनमन कोण की बात हुई है, इसलिए यहां से आप एक सीधी रेखा क्षैतिज रेखा के समांतर खींचेंगे और अवनमन कोण ये 30 अंश का है जो उन्नयन कोण के बराबर होगा, ठीक है। ये भी अवनमन कोण है, ये इसके बराबर, यह है अवनमन कोण, ठीक है। अब हमें इसने कहा है कि अब इस बिंदु से यानी कि बिंदु डी से इस कार को मीनार के पद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी कि इसको हमने दूरी मान ली वाई है, दूरी कितनी मान ली वाई, हमें निकालना है समय। तो सबसे पहले हम ये दूरी ज्ञात करेंगे कि ये दूरी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम समय ज्ञात करेंगे। मीनार की ऊंचाई मान ली हमने h मीटर है, क्वेश्चन को हल करेंगे चित्रानुसार, तो चित्रानुसार लिखेंगे जो क्वेश्चन को हल करेंगे, इसमें आपको लिखना है कि BC एक मीनार है जिसकी ऊंचाई माना h मीटर है और मीनार के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 अंश के अनन कोण पर आते हुए देखता है तथा 6 सेकंड के पश्चात कार का अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है, ठीक है। दो चार बात देखनी है, तथा माना BD वाई है और AD एक्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन को हल करेंगे चित्रानुसार, सबसे पहले लेंगे त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC में ये लंब या आधार, त्रिभुज के हिसाब से ये लंब भुजा और ये आधार हो गया, तो लेंगे टैन 60 अंश बराबर, लंब हो गया इसमें BC, आधार हो गया इसमें DB, BC/DB, टैन 60 का मान √3 बराबर BC है इसमें H और BD हमने मान रखा है Y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3Y बराबर H, समीकरण 1। अब त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में, अब ये कंप्लीट त्रिभुज लेंगे, ठीक है। त्रिभुज ABC में इसमें हम लेंगे tan 30 अंश, तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा BC यानी कि लंब और बटे आधार, आधार हो गया इसमें AB, tan 30 का मान 1/√3 बराबर BC की वैल्यू H है, तो H/AB, AB को भी AB रख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो AB रहेगा, √3 × H करेंगे √3H, और H का मान ऊपर कितना है √3Y, यहाँ पर पुट करेंगे तो AB आएगा, AB का मान किसके बराबर है, AB जो है वो X+Y के बराबर है, यहाँ लिखेंगे X+Y बराबर √3 × H और H का मान है √3Y, लिखेंगे √3Y,
तो x प्लस वाई इक्वल टू रूट तीन इंटू रूट तीन, रूट तीन और रूट तीन में करेंगे हो जाएगा तीन इंटू वाई, तीन वाई। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू याद करनी है वो y की वैल्यू याद करनी है, तो y को इधर घटाएंगे तो ये जाएगा x बराबर हो जाएगा थ्री वाई माइनस के वाई, सोल्व करेंगे तो घटा के आएगा टू वाई, टू वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा और y इक्वल टू एक्स अपॉन टू। ठीक है, ये होगी समीकरण नंबर दो। y का जो मान है वो x का आधा है यानी कि x अपॉन टू, और यहां देखिए बच्चों x दूरी चलने में हमें 6 सेकंड का समय लगता है, तो x की आधी दूरी चलने में हमें कितना समय लगेगा, 3 सेकंड। ठीक है, तो यहां से यहां लिखेंगे अब कि कार जो है वो समान चाल से चल रही है और उसे जो है y दूरी तय करने के पश्चात बिंदु B पर पहुंचने में कितना समय लगेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो कार को y इकाई दूरी चलने में लगा समय बराबर है 6 सेकंड, इसलिए कार को x दूरी चलने में लगा समय बराबर 6 सेकंड, तो यहां से y दूरी चलने में y इकाई दूरी चलने में लगा समय, और y क्या है वो x आधी है, तो 6/2 यानी कि 3 सेकंड। इसका अर्थ यह हुआ कि 3 सेकंड में कार बिंदु डी से ए बी तक पहुंच जाएगी यानी कि मीनार के आधार तक पहुंच जाएगी, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 18.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है जिसे चित्र में दर्शाया गया है, चित्र इसका दिया हुआ है बेटा, और इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो ये क्षैतिज रेखा है और यहाँ पर सपोज करो एक लड़की खड़ी हुई है जिसकी ऊंचाई है 1.2 मीटर, ये लड़की हमने मान ली ए बी। ठीक है, और एक गुब्बारे को वो देखती है जो हमें उड़ रहा है, ये कोई गुब्बारा है जिसको वो देखती है। ठीक है, अब लड़की की आंखों पर जो गुब्बारे का उन्नयन कोण है वो 60 अंश का है, कुछ समय पश्चात गुब्बारा एक निश्चित दूरी से एक निश्चित चाल से आगे की ओर बढ़ रहा है, तो कुछ समय बाद गुब्बारा यहाँ पहुंच जाता है, तो जिससे कि उस लड़की की आंखों पर उन्नयन कोण घट करके 30 अंश हो जाता है, पहले 60 अंश था अब 30 अंश, तो यहाँ पर जहाँ लड़की की आंखों से ये जो हमने उन्नयन कोण बनाए हैं तो क्षैतिज रेखा के समांतर ही एक रेखा हम खींच लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब इसने कहा कि गुब्बारे की जो ऊंचाई है वो 88.2 मीटर की, ये भूमि है क्षैतिज रेखा है ये। ठीक है, तो यहां से जो इसकी ऊंचाई है वो है 88.2 मीटर, तो यहां से भी 88.2 मीटर ही होगी, 88.2 मीटर। देखो यहां से 1.2 मीटर की ऊंचाई लड़की की है, जिस कारण ये मान लिया हमने बी ये सी, और यहाँ से जो बी सी बचेगा वो 1.2 मीटर की ऊंचाई यहाँ से कम हो जाएगी, तो टोटल ऊंचाई तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है वो है 88.2, तो बी सी रह जाएगा 87, 88.2 में से 1.2 घटा देंगे। ठीक है, तो रह जाएगा 87 मीटर की ऊंचाई बी सी होगी, बी सी 87 है तो ये पॉइंट हमने मान लिया ई और ये मान लिया पॉइंट हमने डी, तो ये भी रह जाएगा 87 यहाँ से यहाँ, और 88.2 जो है वो क्षैतिज से है यहाँ तक की ऊंचाई गुब्बारे। ठीक है, अब इसमें त्रिभुज बने हुए हैं, त्रिभुज
ए बी सी, पहले एक त्रिभुज ए बी सी लेंगे और फिर त्रिभुज लेंगे हम ए ई डी। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना हमें गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये भी, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया वाई, ये दिया नहीं होनी तो इसको मान लिया हमने एक्स, ये गुब्बारा है, ये लड़की है, ठीक है, ये गुब्बारा। अब चित्र अनुसार सबसे पहले लेंगे हम ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये जो उन्नयन कोण यहाँ पे है ये 60 अंश है और ये जो कोण है ये 30 अंश का है। तो tan 60 अंश बराबर हो जाएगा बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। tan 60 का मान √3, बी सी की वैल्यू है 87 और ए बी हो एक्स मान रखा है, ठीक है। सोल्व करेंगे इसका अपॉन वन मान लेंगे तो जाएगा √3 x = 87 और x इक्वल हो जाएगा 87/√3 मीटर, समीकरण एक। अब त्रिभुज लेंगे ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी में ये त्रिभुज क्यों लेंगे, क्योंकि हमें y की वैल्यू याद करनी है, ठीक है। तो tan 30 अंश बराबर tan लेंगे डी ई अपॉन ए ई, तो डी ई लंबभुजा है और ए ई चित्र के अनुसार आधार है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, डी ई की वैल्यू है 87, यानी कि जो यहाँ पे थी जितनी बी सी है उतनी ही डी ई भी है, और अपॉन ए ई, और ए ई जो हो जाएगा एक्स प्लस वाई के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा √3 × 87, ठीक है। अब एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है 87/√3, तो एक्स इधर जाके घटेगा राइट में, तो वाई बराबर हो जाएगा ये जो है 87/√3 और एक्स इधर जाके घटेगा यहाँ पे, तो एक्स का मान हमें वहां से रखेंगे −k 87/√3, ठीक है। और वाई बराबर 87/√3 माइनस, देखो हम यहाँ से इसको लेस करेंगे, 87 को हम लिख सकते हैं 29/√3 × √3 और √3, 29 ये √3 × √3 यानी कि 3 और 29 दिया 87, चाहे तो आप यहाँ से √3 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। एक √3 कट जाएगा तो y बराबर 87/√3 − 29/√3 तो घट करके आएगा 58/√3 मीटर, ये y की वैल्यू। तो गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी होगी 58/√3 मीटर, इसलिए गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी ये हो जाएगी 58/√3 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन अपना इसका चित्र दिया हुआ है, क्वेश्चन अपने आप करना है, आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको करना है, आसानी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर जो ऊंची मूर्ति लगी है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है और पेडिस्टल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। पेडिस्टल क्या होता है, पेडिस्टल होता है जिस पर मूर्ति खड़ी करते हैं वो स्टैंड, ठीक है, और उसकी ऊंचाई जो है इसने हमें ज्ञात करनी है पेडिस्टल की ऊंचाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है इसमें 12, देखो यहाँ पे स्पोर करो ये कोई पेडिस्टल है और इसके ऊपर कोई मूर्ति हमें लगानी है, कोई मूर्ति है, ठीक है, यहाँ पर और भूमि के, ये भूमि है, भूमि के किसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर पर लगी एक मूर्ति जिसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर, ये मूर्ति है,
और यह है पेडिस्टल, यहां से यहां तक पेडिस्टल है और ऊपर इससे ऊपर मूर्ति है, ठीक है। ये अब हम सीधी रेखा खींचेंगे यहां से यहां तक, ये मान ले बिंदु बी, ये पॉइंट मान ले सी और ये पॉइंट मान ले डी और भूमि का कोई बिंदु है ए। तो क्वेश्चन में कहा है कि पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60° तथा उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45° है, तब पेडिस्टल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, यानी कि इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो ये ऊंचाई हमने मान ली इसमें एच मीटर, पेडिस्टल की ऊंचाई मान ली एच मीटर है, ठीक है। और ये दूरी हमें दी नहीं गई इस बिंदु की, तो इसे मान लिया हमने एक्स। दो कोण से दिए हैं, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60° का है और पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45° का है। ये कोण 45° है और ये कंप्लीट कोण 60° का है। सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो चित्र अनुसार त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यहां लेंगे टैन 45°। तो टैन 45° बराबर बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। टैन 45 का मान 1, बी सी की वैल्यू है यहाँ पे एच मान रखी है हमने और ए बी हमने मान रखा है एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पोनो वन मान करके तो एक्स बराबर जाएगा एच, समीकरण ए। अब त्रिभुज लेंगे ए बी डी, ए बी डी त्रिभुज ए बी डी में टैन 60° बराबर बी डी बटे ए बी, यानी कि त्रिभुज लिया है ए बी डी, तो बी डी बटे ए बी। टैन 60 की वैल्यू √3 बराबर बी डी है इसमें एच प्लस 1.6 अपॉन ए बी, ए बी हमने मान रखा है एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3x इक्वल टू हो जाएगा एच प्लस के 1 प्लस 1.6, और h की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है पेडिस्टल की ऊंचाई। तो यहाँ से x जो है वो h के बराबर है, ऊपर देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से √3h और बराबर भी है h प्लस के 1.6। रूट को इधर लाएंगे √3h माइनस h इक्वल टू 1.6 और h कॉमन लेंगे यहाँ से तो बचेगा √3 - 1 और बराबर 1.6। √3 - 1 से डिवाइड कर देंगे तो h बराबर 1.6 अपॉन √3 - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9th क्लास में सिखा था जब रूट में कोई संख्या नीचे होगी तो उसका हर का परिमेयकरण करते हैं, तो √3 + 1 से गुणा ऊपर कर देंगे, √3 + 1 से गुणा कर देंगे नीचे, तो h बराबर जाएगा यहाँ से 1.6 इंटू √3 + 1 और बटे √3 वाला रूट। देखो एक बार √3 में से एक घटा हुआ है, √3 में एक बार एक जुड़ा हुआ है, जब गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह से फॉर्मूला यूज होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यानी कि हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। √3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2, तो क्वेश्चन हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 और बटे 2, 2 से काट देंगे 0.8 बार, ठीक है। और h इक्वल टू हो जाएगा 0.8 इंटू √3 की वैल्यू देंगे 1.732 + 1 और h बराबर 0.8 इंटू ये 2.732 और h इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 16, 8 × 24 = 25, 8 × 3 = 56 और 2 हासिल किए हैं 58, कैरी हो जाएगा 5 और 8 × 16 और 5 हो जाएंगे 21 और 3 और 1 पॉइंट यहाँ पे है तो 4 के बाद लगेंगे दशमलव, ठीक है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई हो जाएगी 2.18 मीटर या एक मान के जोड़ सकते हैं, तो पेडिस्टल की ऊंचाई 2.19 मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के उन्नयन कोण 30° और 45° है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाजों के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। देखो समुद्र है और समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची
एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस, इसकी ऊंचाई है 75 मीटर, और समुद्र में दो जहाज है जो एक दूसरे के ठीक पीछे है। एक जहाज मान लिया हमने यहां पर है, और दूसरा जहाज मान लिया हमने इससे कुछ आगे, ठीक है। अब इन जहाजों के जो उन्नयन कोण है वे, सॉरी अवनमन कोण है, वह 30 अंश और 45। तो लाइट हाउस के ऊपर से देखने पर इन जहाजों के उन्नयन कोण 30 अंश और 45 अंश। तो ये जहाज हमने मान लिया पॉइंट ए पर, ये पॉइंट मान लिया डी, और बी सी मान लिया हमने लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर, ठीक है। इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये दूरी हमने मान ली इसमें एक्स, अब इसे बी डी नहीं पता तो इसे मान लिया हमने वाई, ठीक है। अब चित्र अनुसार ये कोण है 30 अंश का और ये कोण है 45 अंश का। तो अब हम पहले लेंगे त्रिभुज डी बी सी में, ठीक है। देखो यहाँ 45 का कोण है तो ये 75 है तो ये 75 हो जाएगा। फिर हम त्रिभुज लेंगे ए बी सी में, बी सी टैन लेंगे, बी सी बटे ए बी यानी कि x प्लस वाई, और इसका मान हमें आ जाएगा 75 अंश, ठीक है। और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कर सकते हो आप क्वेश्चन, ना हो तो आप पूछ लेना, फोन कर लेना, ठीक है बेटा, या फिर दोबारा करा देंगे। आप जब बताओगे कि प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो हम दोबारा करा देंगे, ठीक है। वैसे आप क्वेश्चन को इसे कर सकते हैं, पहले त्रिभुज लेंगे हम डी बी सी और फिर दोबारा त्रिभुज लेंगे ए बी सी। जब ए बी सी त्रिभुज लेंगे तो यहाँ से जो ए बी आधा हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। आगे है क्वेश्चन अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, इस तरह क्वेश्चन हमने पहले करा दिया आपको, सेम क्वेश्चन है, पढ़ के देखना, और बहुत ही इजी भी है। 16 क्वेश्चन भी बहुत आसान है, जैसे चित्र बना है इसी प्रकार से एक चित्र बनेगा। क्वेश्चन नंबर है 17, ये क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है भूमि पर किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी कि भूमि पर स्थित किसी बिंदु से एक जहाज का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है, और 15 सेकंड की उड़ान के पश्चात उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो जाता है। यदि हवाई जहाज जो है वो 1500√3 मीटर की नियत ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। एक हवाई जहाज है, सबसे पहले हम भूमि बनाएंगे, चित्र बनाने का तरीका जो उसमें सिखा रखा है, सपोज करो ये कोई भूमि है, ठीक है, और ऊपर कहीं हवाई जहाज उड़ रहा है। ये मान लिया हमने कि ये इधर जो है एक हवाई जहाज उड़ रहा है इस साइड को, ठीक है, ये हवाई जहाज है जो इस साइड को उड़ रहा है, और इस हवाई जहाज का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश का है। कितना अंश का है यहाँ पे? 60 अंश का, भूमि के एक बिंदु से, बिंदु मान लिया हमने ए, और जहाज की जो ऊंचाई दे रखी है वो भूमि तल से दी है 1500√3 मीटर, ये होगी जहाज की ऊंचाई। और ये चित्र ऊपर है, ये पानी के जहाज है, ये जहाज फर्स्ट है और ये जहाज सेकंड है, वो पानी के जहाज है। तो हवाई जहाज की ऊंचाई है 1500√3 और 15 सेकंड के पश्चात, और 15 सेकंड में ये जहाज आगे पहुंच जाएगा काफी, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये जहाज 15 सेकंड में यहां पहुंच गया इस बिंदु, ठीक है, ये जहाज यहां पहुंच जाता है। तो अब हमें यहां से जो उन्नयन कोण दिया गया है वो दिया गया है यहां से 30 अंश का,
तो जहाज की ऊंचाई जितनी है उतनी ही रहेगी भूमि तल से, 1500 रूट 3 मीटर। ये बिंदु मान लिया हमने बी सी और ये मान लिया हमने डी ई। हमें ज्ञात करनी है जहाज की चाल, यानी कि जहाज की स्पीड कितनी है वो हमें इसमें ज्ञात करनी है। जहाज की चाल कब ज्ञात होगी? जब हमें ये दूरी ज्ञात पड़ेगी, यानी कि सी ई, और जितनी सी ई है उतनी है इसमें बी डी। तो ये दूरी हमने मान ली इसमें वाई है, ठीक है, और ये दूरी हमने मान ली इसमें एक्स है। तो सबसे पहले हम वाई दूरी ये ज्ञात करेंगे, फिर उसे समय लगा हुआ है इसमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 15 सेकेंड। तो समय यह हो जाएगा, दूरी हो जाएगी, तो चाल बराबर हो जाएगी दूरी बटे समय, ठीक है। तो इसकी स्पीड आ जाएगी, यानी चाल आ जाएगी। तो चित्रानुसार चित्रानुसार त्रिभुज लेंगे ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में टैन 60° बराबर बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए, ठीक है। टेन 60 की वैल्यू √3 बराबर बी सी है इसमें 1500 √3 और बटे ए बी है इसमें एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो जगह √3x बराबर 1500 √3, √3 से √3 कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1500 मीटर। समीकरण ए, ये दूरी हो गई 1500 मीटर। अब हमें निकालनी है y का मान, मुझे y की दूरी निकालनी है। अब त्रिभुज लेंगे इसमें ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में और tan 30°। अब त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में ये हो जाएगा tan 30° बराबर डी ई और अपॉन ए डी। तो हम लेंगे tan 30° बराबर डी ई जो कि जहाज की ऊंचाई है और बटे ए डी जो क्षेत्रीय दूरी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, जहाज की ऊंचाई है 1500 √3 और बटे ए डी। ए डी जो है वो x प्लस वाई के बराबर है, x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × √3 में जाएगी तो ये 3 हो जाएगा, और 3 × 1500 तो x प्लस वाई बराबर जाएगा यहाँ से 1500 × 3, √3 × √3 3 और 1500 × 3 4500। एक्स का मान है ऊपर 1500, एक्स की वैल्यू रख देंगे 1500 + y बराबर ये हो जाएगा 4500 और 15 से इधर जाके लेस हो जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 1500, जब इसमें घटाएंगे तो आएगा 3000 मीटर। यानी कि जो दूरी हो गई y ये 3000 मीटर हो गई, यानी कि हवाई जहाज 15 सेकंड में 3000 मीटर चल गए बिंदु E पर पहुंच गया। अब हमें हवाई जहाज की चाल ज्ञात करनी है, तो चाल होती है दूरी बटे समय। अब हवाई जहाज की चाल, हवाई जहाज की चाल बराबर चल जाएगी दूरी बटे समय। दूरी हो गई 3000 मीटर और समय हो गया 15 सेकंड, तो ये जो चाल आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में आएगी, क्योंकि ये दूरी मीटर में है और ये सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड में आएगी। परंतु इसमें दूरी पूछ रखी है, सॉरी चाल पूछी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसे डिवाइड करोगे आप 15 × 30 या आ जाएगा 200। तो ये जो दूरी आई है मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड, और हमें निकालने किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल, सॉरी नहीं चाल, सॉरी 200 × 18/5 से गुणा कर देंगे, तो ये जो चाल है वो बदल जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। भाग करेंगे 40 बार डिवाइड होगा और 18 × 72 720 किलोमीटर प्रति घंटा, यह हवाई जहाज की स्पीड होती है, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो गया बच्चों। इसमें आगे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है, इस तरह के एक दो क्वेश्चन जो छुड़वाए हैं बहुत ही आसान है, जैसे पीछे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं सारे, ठीक है। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन कर सकते हो बेटा। ये एक्सरसाइज वैसे कंप्लीट हो चुकी है, अब नेक्स्ट
हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10 है इसमें व्रत, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।